आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होते ही चिरमिरी नगर निगम ने चिरमिरी के अलग अलग स्थानों में शीतल पेयजल प्याऊ की व्यवस्था की है, ताकि यहां के लोगों को प्यास लगने पर आसानी से पानी उपलब्ध हो जाए। चिरमिरी नगर निगम के आयुक्त ज्योत्सना टोप्पो ने बताया कि गर्मी की मौसम के मद्देनजर रखते हुए हमने जहां शीतल पेयजल की आवश्यकता है उन स्थानों में प्याऊ लगाने का निर्देश दिए हैं, जिससे आने जाने वाले मुसाफिरों को उसका लाभ मिल सके। मौसम को देखते हुए टोटल निकाय क्षेत्र में 20 जगह हम प्याऊ की व्यवस्था करेंगे, ऐसी मांग आई है। तो हमारे स्टाफ ने भी सर्वे किया कि वहाँ पर आवश्यकता है राहगीरों को और पब्लिक को, और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। पूरे 20 जगह लग नहीं पाया है, 2-3 दिनों से चल रही है और अगले 2 दिनों में हम पूरे 20 जगह लगा देंगे। इससे क्या फायदा, नागरिकों को फायदा मिलेगा प्याऊ से? बिल्कुल मिलेगा, अभी गर्मी का दिन है, लोगों को कहीं पर पानी की परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हमने मटकों में पानी रखा है और साथ ही उसके साथ असिस्टेंट की भी व्यवस्था की है कि किसी को आवश्यकता हो तो उन्होंने पानी पीना। कब तक चलेगा मैडम ये पूरी गर्मी के सीजन में? निर्देशों का पालन करते हुए प्याऊ लगाने का स्थानों का चयन कर चिरमिरी के अलग अलग स्थानों में शीतल पेयजल प्याऊ एवं कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। RNN न्यूज के लिए कोरिया जिले के चिरमिरी से बाला राव की रिपोर्ट।